नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हरियाणा एसएससी में लगभग 3000 के आसपास में वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो इस फॉर्म में एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए, सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना है क्योंकि लास्ट में आपको मैं बताऊँगा कि इस एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए आपको स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखो दिखा देता हूँ, ये एडवर्टीजमेंट कल की डेट में रिलीज़ किया गया है जिसको हरियाणा एसएससी की तरफ से रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो वैकेंसीज़ हैं वो लगभग 3000 वैकेंसीज़ यहाँ पर आपकी हैं, तो बड़ी आराम से इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। जैसे कि पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। इस फॉर्म को पब्लिश करने का 5 जुलाई को ये पब्लिश किया गया है और इस फॉर्म को भरने का डेट आपका 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अभी आपके पास समय है, आप 10 तारीख से इस फॉर्म को भरना शुरू कर दोगे। उसके बाद में इसको फॉर्म को भरने की जो आखिरी डेट है वो है 25 जुलाई, उससे पहले आप इस फॉर्म को भर लेना। और क्लोजिंग फीस जमा करने की जो आखिरी डेट है वो है 29 जुलाई। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई उसके बारे में। इसके अलावा यहाँ पर देखो दिखा देते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर लिखी है 2978, यानी कि 2978 वैकेंसीज हैं जो कि यहाँ पर बढ़ाई भी जा सकती हैं। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि सर इस फॉर्म को कौन कौन से लोग भर सकते हैं। देखो ये जो टोटल 2900 वैकेंसीज हैं इसमें अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब है, मतलब अगर आपने 10th कर रखा है तो भी आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी है, अगर आपने 12th कर रखा है तो भी आपके लिए वैकेंसीज हैं, ITI वालों के लिए वैकेंसीज हैं, BTech वालों के लिए JEE की अलग से वैकेंसीज दे रखी हैं, जिन लोगों ने सिंपली कॉमर्स कर रखा है जैसे BCom कर रखा है उनके लिए भी वैकेंसीज हैं, और जिन लोगों ने MCom और LLB भी कर रखा है उनके लिए भी अलग से यहाँ पर वैकेंसीज बता रखी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कौन से लोगों के लिए कौन सी वैकेंसीज आई है। देखो दोस्तों यहाँ पर एडवर्टीजमेंट पूरा बहुत बड़ा है, यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग भी इसको एक बार देख लेना। जैसा कि यहाँ पर देखो लिखा है 146 पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर वाला जो फॉर्म है उसको BTech वाले भर पाएंगे। अब ये देखो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे रखा है, डिटेल में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। यहाँ पर अगर आप देखें कि इसका जो पे स्केल है 44,900 से ज़्यादा यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी, एज क्वालिफिकेशन आपका 18 से 42 साल के लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। साथ ही साथ में इसमें जिन लोगों ने BTech कर रखा होगा IT से, CS से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर आपने MCA कर रखा हो, या फिर आपने MSc कर रखा हो IT या एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें कि 60% यहाँ पर आपके मिनिमम मार्क्स जो हैं वो इस ग्रेजुएशन के दौरान आपके होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया BTech वालों के लिए वैकेंसीज। साथ ही साथ में यहाँ पर एक चीज़ और मांगी गई है कि आपके जो हाई स्कूल या मैट्रिकुलेशन का जो होता है उसमें आपका हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट एक होना चाहिए। फिर देखो 183 जो वैकेंसीज हैं ये हैं असिस्टेंट लाइनमैन के लिए, ठीक है, तो असिस्टेंट लाइनमैन के लिए आपके पास में देखो मिनिमम मैट्रिक होना चाहिए और मिनिमम 2 साल का ITI कोर्स आपने कर रखा हो इलेक्ट्रीशियन का या फिर वायरमैन का, तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बाकी और भी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं जिसको आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लोगे। इसके बाद में देखो असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, तो असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए आपको सैलरी मिलेगी 35,400, जिसके लिए आपके पास में LLB की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 400 पोस्ट हैं आपका लोअर डिविजनल क्लर्क, ठीक है, तो ये जो 400 पोस्ट हैं LDC की, इसके लिए आपको देखो बैचलर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए, किस मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स के फील्ड में, 50% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। साथ ही साथ में आपका स्टेट लेवल का SETC एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एग्ज़ाम होता है वो आपका क्लियर हो यहाँ पर होना चाहिए, और हिंदी एक सब्जेक्ट आपका हायर स्कूल में होना चाहिए। तो इतना यहाँ पर दे रखा है। इसी तरीके से और भी वैकेंसीज के बारे में डिटेल दे रखी है 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए, जिसको आप नोटिफिकेशन पढ़कर अपने अकॉर्डिंग देख लोगे। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा फॉर्म भरें, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बता देना कि मैंने सर 12th कर रखी है या फिर 10th कर रखी है, तो मैं आपको कमेंट करके रिप्लाई दे दूंगा कि आपको कौन सा वाला पोस्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। आगे चलते हैं, अब देखो इस एग्ज़ाम की सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है कि इसमें आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जिसके लिए आपके 90 नंबर यहाँ पर असाइन किए गए हैं। 90 नंबर का आपका रिटन होगा और 10 नंबर का आपका सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 100 नंबर होंगे जिसके बेसिस पर यहाँ पर मेरिट बनेगी। अब यहाँ पर ये जो 90 नंबर का टेस्ट होगा उसमें 75% वेटेज में आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी, साइंस आएगी, कंप्यूटर आएगा, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी।
इसके अलावा 25% में आपका हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरमेंटल, कल्चरल और हरियाणा का जीके आएगा। तो कुल मिलाकर 90 नंबर में आपको अच्छा स्कोर करना है। और इस पूरे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगर आपने कहीं भी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए जितना भी स्टडी मटेरियल है, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये सारी तैयारी के लिए मैं आपको PDF दूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसका पूरा स्टडी मटेरियल कहाँ पर मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। हज़ारों रुपए का मटेरियल आपको फ्री में दिया जाएगा। कैसे आपको मिलेगा? आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है जहाँ पर मैं सारे PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट स्टडी IQ। जिन लोगों को नहीं पता है टेलीग्राम क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में मोबाइल नंबर डालकर इसको चालू करना जैसे कि व्हाट्सएप को करते हो। उसके बाद में आपको मेरा चैनल का नाम टाइप करना है टारगेट स्टडी IQ। वहाँ पर आपको एक चैनल मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहीं पर आपको सारा स्टडी मटेरियल जिसकी मार्केट वैल्यू है लगभग 2500 के आसपास में, वो वहीं पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं, मैं उसको आंसर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।